तंदूरी पनीर काठी रोल। इसे स्क्रूअर पर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस रेसिपी को मैंने काफ़ी सिंपल कर दिया है। आज हम इसे बनाएंगे पैन में, बिल्कुल हेल्दी वे में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें कोल का भी यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। इसे बनाने के 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं। नंबर 1 है इसका डो और नंबर 2 है इसकी फिलिंग। तो डो के लिए मैंने इसके लिए लिया है 2 कप आटा, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और 1 चम्मच घी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप इसमें गेहूं के आटे की जगह मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसे हेल्दी वे में बना रहे हैं तो मैंने इसके लिए होल व्हीट फ्लार का यूज़ किया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं और डो को रेडी कर लेते हैं। डो हमारा रेडी हो गया है, इसे ढककर रख देते हैं। तब तक करते हैं इसकी फिलिंग की तैयारी। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, इसमें जाएगा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है, इसमें जाएगा 4 चम्मच भर के फ्रेश दही। आप ध्यान रखें दही थोड़ा थिक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जाएगा थोड़ा सा सफ़ेद नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एकदम से स्मूथ मैरिनेशन को रेडी कर लेते हैं। तो मैरिनेशन बिल्कुल रेडी हो गया। इसके बाद मैंने लिया है 1 कोयले का पीस। गैस को ऑन करते हैं, इसके ऊपर कोल के पीस को रखते हैं जब तक कि अच्छे से वो गर्म ना हो जाए। तो कोल अच्छे से गर्म हो गया है, अंदर से पूरा रेड हो चुका है। मैंने रेडी की हुई मैरिनेशन में 1 कटोरी रखी है, उसके ऊपर से कोल को ऐड करेंगे। इसके ऊपर से 1 चम्मच घी को डालेंगे और घी को ऐड करने के बाद तुरंत से इसे ढक देंगे। इस तरीके से रेडी करने से इसके अंदर बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा मैरिनेशन बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर के साथ। इसके बाद मैंने पनीर लिया हुआ है, इसके पीसेस को कट कर लेते हैं। ये 200 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है। पनीर को इसी तरीके से आपको कट करना है। इसके बाद इसे वर्टिकली भी कट कर लेते हैं। पीसेस को मैरिनेशन में ऐड करते हैं और 5 मिनट के लिए इसे भी छोड़ देते हैं। आपको पीसेस को हैंड की हेल्प से मिक्स करना है क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप स्पैचुला से मिक्स करेंगे तो पनीर के पीसेस टूट जाएंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। तो 4 मिनट हो गया है, इसे एक बार चेक करते हैं। तो हमारा बिल्कुल पनीर रेडी हो चुका है। गैस पर एक बर्तन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। मैंने इसे हेल्दी वे में बनाने के लिए हर जगह बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो और भी ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें एक एक करके पनीर के पीस को ऐड करते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। पनीर एक साइड से बहुत अच्छे से सिक गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसे एक एक करके टर्न भी कर लेते हैं। तो मैंने सारे पीसेस को टर्न कर लिया है। ये बची हुई मैरिनेशन को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने प्याज को सर्कल शेप में कट कर लिया था, इसे भी इसमें ऐड करते हैं।
और इसे एक बार टर्न कर लेते हैं। इसमें जाएगी शिमला मिर्च जिसे मैंने लंबा लंबा काटा है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर जिसके मैंने सीड्स निकाल लिए थे। इसके बाद इसमें सफ़ेद नमक और काली मिर्च के पाउडर को भी ऐड करते हैं। तो फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब डो के बॉल्स को रेडी करते हैं। आप जिस साइज़ का रोल बनाना चाहें उस हिसाब से आप बॉल्स को ले लें। मैं एक बड़े साइज़ का रोल बना रही हूँ तो मैंने बड़े साइज़ की बॉल ली हुई है। तो एक पतले साइज की रोटी को बनाते हैं। सबसे पहले इस पर थोड़ा सा आटा लगाते हैं। नॉर्मली आप जैसे घर में रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आप एक पतली सी रोटी बना लें। तो मैंने रोटी को बिल्कुल रेडी कर लिया है। तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करते हैं। सबसे पहले आपको रोटी को दोनों साइड से अच्छे से सेकना है। उसके बाद इस पर घी ऑयल को यूज करेंगे। तो रोटी दोनों साइड से अच्छे से सेक गई है। मैंने इस पर ऑयल लगा लिया है। दोनों साइड से अच्छे से ऑयल लगाकर इसे सेक लेते हैं। इसे अच्छे से दबा दबा कर सेकेंगे जिससे रोटी सब जगह से अच्छे से सिक जाए। तो हमारी रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे चकले पर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा मेयो ऐड करेंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसे पूरी रोटी पर बिल्कुल अच्छे से फैलाएंगे। इसके बाद इसमें फिलिंग को ऐड करेंगे। इसमें थोड़े से अनियन के स्लाइसेस को ऐड करते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा नींबू का रस। इसके बाद मैंने बटर पेपर लिया है। इसे रोटी को अच्छे से फोल्ड करते हैं और रोल को अच्छे से रैप कर देते हैं। इसे नीचे से कवर कर देंगे जिससे इसे खाने में आसानी रहेगी। तो हमारा तंदूरी पनीर काठी रोल बिल्कुल रेडी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। इस रोल को ट्राई करने के बाद अपने कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपका बिल्कुल परफेक्ट बने तो इसे आगे शेयर जरूर करें।